हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है मेरी भांजी की शादी और आप देख सकते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर बनठन के तैयार हो चुके हैं और ये बारात आने से पहले की रिकॉर्डिंग है गाइस। और यहाँ पर हम सभी लोग हैं, मैं, मेरी सारी दीदियाँ और सारे रिलेटिव और ये सभी लोग हैं। ये वो लोग भी हैं इनमें से कुछ लोग जिनको मैं जानती नहीं हूँ और शादी में पहली बार मिली थी गाइस। तो यहाँ पर दरवाजे पे हम सब लोगों को रखना था कलश और मतलब जिस जो जो मामा मामी रहते हैं उनको कलश रखना था। तो यहाँ पर हम लोग सब रेडी थे दरवाजे पे कलश रखने के लिए और आप देख सकते हैं कि हम लोग सारी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये जो मटकी है ये गाइस मैंने रखी थी क्योंकि मुझे बहुत मतलब शौक भी था और मुझे लग भी रहा था कि मेरे को भी रखनी है, तो ये मैंने रखी थी। वो गाइस आप देख सकते हैं, हम लोग जैसी बारात आने वाली थी उससे पहले ही हम सब लोगों ने कलश रख लिए थे यहाँ पर और काफ़ी लोगों ने कलश रखे थे गाइस। तो यहाँ पर बारात का स्वागत हो रहा है, दरवाजे पे तिलक वगैरह हो रहा है और इस ये जो कलश होते हैं इनमें पैसे वैसे डाले जाते हैं। उसके बाद जब लड़का अंदर आता है तो फिर उसके बाद ही ये कलश उतरते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो इसका फर्स्ट टाइम किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूल्हे का टीका हो रहा है और हमारे यहाँ दूल्हे का टीका मामा जी करते हैं, मतलब जो भी लड़की के मामा होते हैं वो करते हैं, तो वही लोग कर रहे थे। और यहाँ पर उसके बाद जैसे ही दूल्हे का टीका हुआ और दूल्हा अंदर आया उसी समय हम लोगों ने ये सारे कलश में उतार दिए थे और सारे जो भी प्रोग्राम थे वो आगे चलने लगे थे। कुछ भी होगा लेकिन शादियों में किसी की भी शादी बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं तो भाई बहुत थक गई थी क्योंकि घर में मेरे यहाँ तीन तीन शादियाँ थी, मतलब बहुत। आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे घर में लगातार तीन शादियाँ पड़ गई, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो गए इधर उधर, लेकिन फिर भी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया सब लोगों की शादी में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये हैं लड़की की भाभी और ये मैं से मिलने आ गई थी। तो मैंने कहा चलिए आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं तो चलिए मैं आपको वीडियो बना देती हूँ। बड़ी खुश हो रही थी, बहुत मतलब अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग काफ़ी भीड़ जमावड़ा जैसे कि शादियों में होता है तो वैसा था ही और सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सारे रिलेटिव वगैरह सभी लोग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूल्हा अंदर आ चुका है और ये हो रही है उनकी एंट्री और यहाँ से शादी की जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट होते जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग एंजॉय करिए और देखिए कि कितना मज़ा आया सब लोगों को।
कैमरामैन बोला है, कैमरा बोला, कैमरामैन बोला, कैमरामैन बोला, जे बात देखो देखो सब इतने हमारे देखा कम हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी है बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। पड़ी है बरसातें अभी है बाकी, हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा।
पहले लड़ाई कहाँ को हुई है भगा ले गए मान लो झांसी चोर के भागे मेरी चोर के भागा के था दिल्ली बम्बई हम पैसा से जो पेट पाती के लाए ए घर में चार ए घर में चार और बुढ़े ही जड़े भी हैं खाएंगे दिल से दुआ देंगे तुम्हारी मेरे कोई शौक नहीं है मैं गुटका खाती नहीं बीड़ी पीती नहीं मेरा कोई शौक नहीं है तुम्हारी कसम दो रोटी सुबह दो रोटी गुड्डों का क्या दादा ए घर में जो हिल रहे हैं उनकी पेट गिला लड़ रही वे कभी अपने गुरुओं के लिए लड़े पाएंगे आज मैं अपने गुरुओं के हक गिला लड़ रही एक बेखुशी बस और कोई बात नहीं मैं तो पूरा तो खर्चा ही नहीं है मेरा चाहत का असर डाला है बातें हो चुकी हैं कुछ बातें अभी हैं बाकी बौछार एक पड़ी है बरसातें अभी हैं बाकी खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा